हेलो एवरीवन, वेलकम टू शकुंथास लर्निंग। सो भाई, जैसा कि आप सभी को पता है कि CUET के एग्ज़ाम की जो डेट्स है वो आपके पास सभी के पास आ चुकी हैं कि 1 अगस्त से एग्ज़ाम होगा, सॉरी 1 सितंबर से, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हम लॉन्च करने जा रहे हैं हमारा CUET पार्ट ए का मॉक टेस्ट के लिए। काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी, इससे पहले हमने हमारा मैथ्स का मॉक टेस्ट वो रिलीज़ किया था, ठीक है, जो कि 27th को है आपका, 27 अगस्त को। सिमिलर पैटर्न, सब कुछ सेम रहेगा, CUET PG के जैसा रहेगा सब कुछ, ठीक है। जो CUET PG का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, सिमिलरली वही एग्ज़ामिनेशन आप लोगों का वो होने वाला है, ठीक है। तो एक टाइप से आप वो मॉक टेस्ट दे लेते हैं और उस मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले आते हैं, ठीक है, अच्छी रैंक ले आते हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे मैथ्स का था, लेकिन पार्ट ए के लिए भी हमारे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई। मैथ्स वाले में पार्ट ए ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो जो स्टूडेंट्स मैथ्स के लिए इनरोल करेंगे वो पार्ट ए के लिए, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इसके लिए इनरोल मत करना, क्योंकि उसमें आपका पार्ट ए ऑलरेडी इंक्लूडेड है साथ में, ठीक है। बस फ़र्क इतना है, यहाँ पर पार्ट ए के 2 पेपर होंगे, वहाँ पर सिर्फ एक ही पेपर है आपका पार्ट ए का, ठीक है। यदि एक एक्स्ट्रा पेपर देना हो तो आप कर सकते हैं। बाकी मैथ्स वालों के लिए मेरा सजेशन यही है कि सिर्फ उसी को ज्वाइन करना, इसको ज्वाइन मत करना, ठीक है। देखिए भाई, आप लोगों के लिए जितने भी कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं, कोई भी सब्जेक्ट का जिसका पार्ट ए आने वाला है तो, और इंग्लिश मीडियम है उनका, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए पार्ट ए की मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करवाने वाले हैं। दो टेस्ट होंगे आप लोगों के ये, और इस टेस्ट बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा आपका, जो आपका CUET PG का रहने वाला है, सेम पैटर्न आप लोगों का इस एग्ज़ाम का रहेगा। मैं बता देता हूँ, 25 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, 30 मिनट्स आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है, और +4 मार्क्स एक क्वेश्चन के रहेगा, -1 मार्क एक नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी, ठीक है, -1 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। ये पूरा आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, और सिलेबस रहेगा सिमिलरली आपका जो सिलेबस है CUET PG का, जो सिलेबस है पार्ट ए का पूरा, रीजनिंग हिंदी सॉरी इंग्लिश का ग्रामर जो आता है, वोकेबलरी जो पार्ट आता है, थोड़ा सा रीजनिंग आता है, थोड़ा सा GK आता है, वो सारा पार्ट इसके अंदर रहेगा, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में रहेगा। प्लीज़ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इनरोल ना करें, क्योंकि बस बाकी आप लोगों के पेपर में और इस पेपर में फ़र्क ये रहेगा कि आपके पेपर में आपको हिंदी की ग्रामर मिलेगी, इस पेपर में आपको इंग्लिश की ग्रामर मिलेगी, ठीक है। यदि आप इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन वो वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में ही लिख रहेंगे, क्योंकि अभी इतने मतलब इतनी बड़ी टीम नहीं है कि हिंदी की टाइपिंग हम कर सकें या करवा सकें, ठीक है, और कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी इंग्लिश के स्टूडेंट्स इसके लिए इनरोल कर सकते हैं। जो इसकी फ़ीस है मैं बता देता हूँ, 20 रुपीज़ इसकी फ़ीस है, सिर्फ 20 रुपीज़ इसकी फ़ीस है। 2 पेपर होंगे, एग्ज़ाम डेट दोनों की मैं बता देता हूँ, एक होगा आपका 21 अगस्त को, दूसरा होगा आपका 24 अगस्त को। इन दोनों डेट्स को ये पेपर होंगे, आप लोग इनके लिए ज़रूर अपीयर हों। 20 रुपये में कुछ भी नहीं आता भाई, एक आइसक्रीम मत खाना या फिर कुछ भी 20 रुपये की चीज़ जो चॉकलेट्स वगैरह इधर उधर आप स्पेंड कर देते हो, उसको उसके बजाय एक अच्छी जगह पर आप उस पैसे को लगाओगे तो आपके लिए आपके लिए डेफिनेटली ये एग्ज़ाम है आपके लिए अच्छा, आपको बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके एग्ज़ाम की बात, 20 रुपीज़ इसकी फ़ीस है, ठीक है। कोशिश करिए आप जितना जल्दी हो उसके उतना जल्दी रजिस्टर करें, ताकि हमारे पास एक आइडिया हो जाए कितने स्टूडेंट्स इसमें अपीयर हो रहे हैं, उस हिसाब से आप लोगों का जो टेस्ट पेपर है, डेट्स है, वो सारी चीज़ें अरेंज की जाए, मतलब कि हम असाइन करें, ठीक है। और कैसे इनरोल करना है, हमारा एप्लीकेशन है शकुंथास लर्निंग ऐप, इसके लिंक्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, उसको चेक कर लेना, या फिर डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप लिखेंगे शकुंथास लर्निंग तो आपको ऐप हमारा दिख जाएगा, ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। iOS यूज़र्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा, वहाँ से अपना डाउनलोड कर लेना,
ठीक है, डाउनलोड करने के बाद लॉगिन वगैरह करोगे, नंबर वगैरह डालने के बाद, तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पर स्टोर सेक्शन होता है ना, ये इसमें जाएंगे तो आपको 20 रुपीज़ का CUET PG रेड कलर में और इसी तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, आप उसमें जाके इनरोल कर लेना। ठीक है, जो टेस्ट वगैरह है वो आपके जो टाइमिंग रहता है टेस्ट का, एक मॉर्निंग ये वाला जो टेस्ट हो गया आपका मॉर्निंग शिफ्ट में करवाएंगे और एक 24th वाला इवनिंग शिफ्ट में, ताकि आपको उसकी हैबिट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा CUET PG का टेस्ट था। और मैथ्स के लिए किसी ने इनरोल नहीं किया है तो मैथ्स के लिए ज़रूर इनरोल कर लेना, पूरा वही टेस्ट आने वाला है जो हमने इसके अंदर लिखा है कि ये टेस्ट पास तो CUET PG पास, वो बिल्कुल सही है। यदि आप उस एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो हमारे वाला जो मॉक टेस्ट है उसको अच्छे से देते हो आप, ठीक है, उससे अपना पूरा एनालिसिस करते हो, तो डेफिनेटली आपका CUET PG 101% पास हो जाएगा। क्योंकि उस एग्ज़ाम को देने के बाद हम लोग आप लोगों को एक वीडियो देने वाले हैं जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि किस क्या क्या आप लोगों ने गलती की है, आप किस तरीके से उस गलती को सुधार के अपने पेपर में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल खेलने से पहले सेमीफाइनल ज़रूर खेलें, इस टेस्ट सीरीज़ के लिए इनरोल करिए। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप वीडियोस किस रिलेटेड चाहते हैं, आप चाहते हैं हम कोई कंटेंट आप लोगों को पढ़ाएं, कुछ ऐसा कंटेंट दे। देखिए, हम एक लिमिटेड सी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है कि सर ये वे वो, और फिर वो हमें बहुत फालतू भी बोल जाते हैं कि आप फिर आपके पास ये कोर्स ही नहीं है तो आप क्यों बोलते हो ऐसा। देखो, हमने कभी बोला ही नहीं, जो हमारे पास है सिर्फ हम भाई आप लोगों को बता रहे हैं, बाकी के कोर्सेज के लिए सिर्फ हम गाइडेंस देते हैं। ठीक है, जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है वो होता है, कोर्सेज वगैरह उसके लिए भी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, कोर्सेज सिर्फ हम मैथमेटिक्स के लिए देते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को मेंटेन रखिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए, काफ़ी मेहनत होती है इन चीज़ों में भी, तो जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल होगी हमें अपने पास रख के उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हम आपको ही देना चाहते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ अवेलेबल होती है आपको डेफिनेटली हम देते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या क्या आप किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं, कौन सा पार्ट ए के लिए आपको पढ़ाया जाए, पार्ट जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को कराई जाए, तो ऐसा कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना, तो कोशिश करेंगे हम वो आप लोगों के लिए लेकर के आए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।